वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, हैप्पी हैप्पी एंड सेफ होंगे। आज होली, हैप्पी होली गाइस आपको। तो मॉर्निंग का हम लोग का चाय हो चुका है, पूजा पाठ भी हो चुका है। हैप्पी होली आपको सबको। बोल तो रेहान जो है होली खेलने का तैयारी कर रहा है। अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो ब्रेकफास्ट में मैं क्या बना रही हूँ, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आज का स्पेशल नाश्ता। ओके, किया जा रहा है और रंग भरने का तैयारी किया जा रहा है। यहाँ पर रेहान के लिए टोपी आ चुका है, जो होली का खेलने का तैयारी हो रहा है। ये बजरंग बली दिखा, फेस दिखा, क्या है बजरंग बली की छोटा भीम। यहाँ मेरे हस्बैंड भी रेडी हो चुके हैं होली खेलने के लिए। और यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में लंच और ब्रेकफास्ट का प्रिपरेशन करने। तो पूरी के लिए आटा भी गूंधा जा चुका है, पुआ का घोल भी मैंने रेडी कर लिया है और कुकर में मेरे चने का घूंगनी बन रहा है। साथ में मैं चूड़ा फ्राई कर रही हूँ और साथ में मूंग दाल के पकोड़े बना रही हूँ और साथ में प्याज के पकोड़े। और एक दिन पहले मैंने फूल गोभी के पकोड़े बना लिया था और आलू चप। और होली के दिन यहाँ स्पेशल ब्रेकफास्ट में यही कचरी पकौड़ी, आलू चप, फूल गोभी के पकौड़े, पत्ता गोभी के पकौड़े, मूंग दाल के पकौड़े बनते हैं। तो एक बार मैंने नहीं बनाया, आज सिर्फ दो पकौड़े बना रही हूँ और एक दिन पहले मैंने दो तीन टाइप के पकौड़े बना लिए थे। तो ये फाइनल लुक नाश्ता का। और नाश्ता करने के बाद हम लोग जा रहे हैं होली खेलने के लिए। बच्चे लोग भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। इसको मैंने टब में ही डुबा दिया था।
कैसे गाना है यार, गाना भी याद नहीं है, गाना चला है गाना। तो गाइस अब यहाँ पे देखिए बच्चे लोग कितना एंजॉय करके खेल रहे हैं, छुट्टी जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है होली खेलने में। ये और डांस स्टार्ट, होली यहाँ देखिए बेटा अपने पापा को क्या दे रहा है टुकु और यहाँ मैं किचन में लंच कुक कर रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए मीठा पान बनवा कर लाए थे, तो वही मुझे जबरदस्ती खिला रहे थे। मैं बोले थी कि बाद में मैं खाऊंगी बनाकर, लेकिन वो मुझे जबरदस्ती बोले थे खा लो, खा खा के बनाना। तो ये मैंने पूरी बना लिया है, उसके बाद मैं यहाँ पे पुआ बना रही हूँ, और ये रहा फाइनल लुक पुआ का, और साथ में ये पूरी और मटन मेरे हस्बैंड ने बनाया है। और ये है होली स्पेशल दही बड़े, मैंने कल शाम में ही बना लिए थे, और मैंने मूंग दाल के दही बड़े बनाए हैं, और ये बहुत ही सॉफ्ट बने थे। और इसके ऊपर मैंने ये डालने के लिए रेडी कर लिया है इमली की मीठी चटनी, साथ में मिर्च पाउडर और भुना जीरा पाउडर, और साथ में काला नमक एंड सफ़ेद नमक जो मैं दही बड़े के ऊपर डालूँगी। तो जब मैं बनाऊँगी तो इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। फिलहाल सबसे पहले मैं खुद अपने लिए बनाने वाली हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दही बड़े को बनाना। तो यहाँ मैंने दही बड़े ले लिए हैं और इसको मैंने कट कर लिया है, एंड ऊपर से मैंने और दही डाला है, उसका जीरा पाउडर, मिर्च पाउडर, वाइट वाला नमक, काला नमक और साथ में मीठी चटनी। तो ये दही बड़े जो है बनकर रेडी हो चुके हैं, और मैं जा रही हूँ इसे इंजॉय करने, रिलैक्स होकर। और दही बड़ा मेरा फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट है, तो बस मैं जा रही हूँ इसे इंजॉय करने। सी गाइस लुक डिलीशियस, सो टेस्टी। एंड ये है मटन का फाइनल लुक जो मेरे हस्बैंड ने बनाया है, बहुत ही टेस्टी मेरे हस्बैंड बनाए थे, एकदम ढाबा स्टाइल का, ढाबा जैसा जैसा होटल वगैरह में हम लोग खाते हैं। और यहाँ रहा पूरी साथ में मटन, और ये प्लेट एक्चुअली मीठी का है, उसको पुआ नहीं खाना था, तो वो पूरी और मटन साथ में खा रही है। और ये रहा रियांश का, उसको पूरी और पुआ नहीं खाना है, तो मैंने उसके लिए अलग से चावल बनाया था, तो ये रहा चावल और मटन रियांश के लिए। और लंच में दो गेस्ट को इनवाइट भी था, तो वो लोग ने लंच कर लिया है, और उसके बाद मैं उन लोग के लिए जो है यहाँ दही बड़े रेडी कर रही हूँ। और उन लोग को भी दही बड़े बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे। फिर भैया सब आए थे मेरे जेठ जी, तो वो भी दही बड़े खाए सभी ने, हम मतलब जो भी गेस्ट आए थे, तो मैं उन लोग को सभी को दही बड़े दे रही थी, खिला रही थी, और सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। तो बस लंच के बाद फिर हम लोग रेडी हो रहे हैं अबीर खेलने के लिए, तो हम लोग अब कुछ देर में अबीर खेलना स्टार्ट करेंगे। और मेरे जेठ जी आए थे, तो वो स्वीट्स लेकर आए थे, तो मैं लंच के बाद यहाँ पे स्वीट्स को एंजॉय कर रही हूँ, और मुझसे रहा नहीं जाता है। ये सन पापड़ी देखे, सन पापड़ी भी मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, तो लंच के बाद मैं यहाँ सन पापड़ी खा रही हूँ, एंड उसके बाद अब रेडी हो रही हूँ अबीर खेलने के लिए। तो सभी किड्स रेडी हो चुके हैं, और हम लोग अब अबीर खेलना स्टार्ट कर रहे हैं। ये बाल में मत लगाना।
सो गाइस, ये था होली सेलिब्रेशन। सभी बच्चों ने बहुत एंजॉय किया और मैं भी बच्चों के साथ बच्चा बनकर खूब होली खेली। तो वंस अगेन हैप्पी होली गाइस। भी इस बार होली को बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया। और डिनर में हम लोग को इनवाइट था, तो हम लोग डिनर करने के लिए बाहर गए हुए थे। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।